एक घने जंगल में एक छोटा सा पेड़ रहता था जो हमेशा एक सुंदर क्रिसमस का पेड़ बनने का सपना देखता था। वो मनुष्यों के बीच रहना चाहता था क्योंकि लोग क्रिसमस ट्री को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। पुराने पेड़ों ने उसे बताया कि मनुष्यों के साथ रहने का विचार अच्छा नहीं है, लेकिन वो पेड़ नहीं माना। क्रिसमस से ठीक पहले एक परिवार उत्सव के मौसम के लिए सजाने के लिए एक पेड़ की तलाश में आए थे। बच्चों को छोटा सा पेड़ अच्छा लगा, उन्होंने उसे ले लिया और उसे अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे रोशनी और खिलौनों से सजाया। परिवार और उनके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने पेड़ से प्यार किया। वो जनवरी के महीने तक आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसके बाद उसकी पत्तियां गिरने लगी। अब कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन उस परिवार वालों ने उसे उठाकर तहखाने में डाल दिया। देवदार पेड़ बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने उसे फिर मिट्टी में लगाया। उसने अपनी शाखाओं को फिर से पा लिया। उस क्रिसमस परिवार ने उसे फिर से अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे खूबसूरती से सजाया। सुंदर रोशनी ने एक बार फिर से उसके पूरे शरीर को चमका दिया। उसमें लगे खिलौनों से सभी बच्चों ने एंजॉय किया। तब उस क्रिसमस ट्री ने महसूस किया कि पुराने पेड़ गलत थे, मनुष्य भी अच्छे थे। उन्होंने उसकी सारी जिंदगी देखभाल की। देवदार पेड़ किसी के आशीर्वाद, उपहार और जीवन में धीरज रखने के महत्व को समझ गया है।